प्यारे बच्चों, आज मैथ्स क्लास 10th वर्कशीट नंबर 28 विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग, मतलब हमारे पास जो विभाजन सूत्र है उसका प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र को यदि हम लिखेंगे विभाजन सूत्र हमारा यदि हम लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे। यदि एक्स वाई हम दो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इनका जो आंसर होगा वो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, एक निर्देशांक हो गया। दूसरे में एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू होगा, ये विभाजन का सूत्र है। दूसरा बिंदु है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु क्या होगा, ये हमारे पास यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई ले लें और हमारे पास दो निर्देशांक और दिए गए हैं ए और बी, उसमें यदि m और n को एक एक रख दें तो यहाँ एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन टू और वाई टू प्लस वाई एन अपॉन टू, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। जैसा कि हमें याद करना है, इन फॉर्मूलों को प्रयोग करना है, इसी के अंतर्गत हम ये पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया वर्कशीट में कि हमें जो प्रयोग करना है उसका फॉर्मूला सूत्र हमें याद होना चाहिए। फिर उसने पूछा है क्या हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग रेखाखंड को बांटने के अलावा कहीं और भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने स्थिति बताई है, दो तीन स्थिति बताई। पहली स्थिति में कहा गया चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विबाहित करते हैं, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुज के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना, ये सिद्ध करना कि कोई आकृति आयत है, कोई वर्ग है, कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समचतुर्भुज है, ये भी हम यहाँ पर आपके डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र, मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए कई बातों को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें कोई बिंदु मिस किया गया हो उसको निकालने में हेल्प करेंगे। दूसरी स्थिति में कहा गया कि कोई लाइन है, रेखाखंड है, उस रेखाखंड को दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में बांटना है, तो उसमें विभाजन का सूत्र प्रयोग करते हुए हम उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी स्थिति में भी हमें कहा गया है कि यदि एक उदाहरण लिया गया, वृत्त का केंद्र त्रिज्या या व्यास के अंतिम बिंदु लंबाई मध्य बिंदु सूत्र दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करना, ये कई हमारे पास तीनों सूत्र प्रयोग हो रहे हैं, एक दूरी का सूत्र है, एक विभाजन का सूत्र है और मध्य बिंदु का सूत्र है। ये तीनों सूत्रों को प्रयोग करते हुए यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और यही फॉर्मूले प्रयोग होंगे, यही सूत्र जो है प्रयोग होंगे। अब यहाँ पर उदाहरण लिया गया कि यदि हमारे पास एक रेखाखंड है जिसके रेखाखंड ए बी है, जिसमें निर्देशांक ए बी दिए गए हैं, पी और क्यू उस समत्विभाजित करते हैं, यानी कि एक ए बी रेखाखंड को पी और क्यू तीन भागों में बांटते हैं, तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये उदाहरण में आपको समझाया गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको हम करते हैं। उसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि A, B, C, D एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। तो यहाँ हमें इसका दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन में एक P का मान ज्ञात करना, यदि 4P और 10 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु हैं तो व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। तीसरा एक क्वेश्चन और दे रखा है कि यदि बिंदु पी क्यू ए बी बिंदु को तीन समान भागों में बांटते हैं तो पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करो। तो वन बाय वन हम इन सारे क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन नंबर एक हमें सिद्ध करना है कि ये एक जो चतुर्भुज है वो एक समांतर चतुर्भुज है, ए
बी सी डी, हम ये मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, बट उसने कहा है मंत्र चतुर्भुज है ये सिद्ध करना है, तो ए के निर्देशांक हम लिख लेते हैं, ए के लिए कहा गया है उसने जीरो जीरो बिंदु है, बी के निर्देशांक बताए गए हैं तीन जीरो हैं, सी के निर्देशांक कहा है कि वो 4-1 है, और डी के निर्देशांक भी दिए गए हैं जिसमें 1-1 कहा गया है। तो हमने एक आकृति बना ली, उसके निर्देशांक लिख दिए, इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि ये एक आकृति है जो चतुर्भुज है, और हमें सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि वो ऐसी दूरी ज्ञात करनी है जिसमें ये चारों भुजा हमें ज्ञात करनी होंगी, और उसके दो विकर्ण भी ज्ञात करने होंगे, कुल मिला के 6 दूरी हमें निकालनी होंगी, तब हम बताएंगे कि ये किस तरह की आकृति है, आयत है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, जो कुछ भी होगा उस पर डिपेंड करेंगे। बट हमें इससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं, आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, सम चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। तो उन चारों स्थिति में हमें चेक करना होगा कि ये कौन कौन सी आकृति में होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे, दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए बी यदि हम निकालें तो ए बी बराबर क्या होगा, यदि हम किसी भी दूरी को निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन ऑफ स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन ऑफ होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र है, इसको हम कहेंगे दूरी सूत्र, ये हमारा दूरी का सूत्र है। इस दूरी के सूत्र को प्रयोग करेंगे तो ए बी हमारे पास यहाँ देखेंगे एक्स टू हमारे पास 3 है, एक्स वन 0 है, तो यहाँ हम 3 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 0 माइनस 0 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और रूट के अंदर हमारे पास क्या आएगा देखेंगे, तो यहाँ हमारे पास 3 बचा और ये 0, तो यहाँ रूट 3 का स्क्वायर है जो 3 के बराबर होगा। ऐसे ही बी सी को निकालेंगे तो क्या होगा, बी सी को भी डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, यहाँ 4 माइनस 3 स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हुआ 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ रिजल्ट हो गया रूट 2। हम फिर सी डी निकालते हैं, सी डी में फिर देखेंगे क्या डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 माइनस 1 कर दें या 1 माइनस 4 कर दें, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आपके पास 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आएगा, ये 0 का स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ क्या हुआ ये 3 आएगा। फिर हम देखते हैं AD क्या होगा, AD में देखते हैं तो ये डिस्टेंस निकालेंगे 1 माइनस 0 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 हो गया रूट 2। अब देखो रूट टू दो आमने सामने की सम्मुख भुजा बराबर हैं, ये 3 और 3 ये इकाई जो है ये बराबर है। अब हमें बी डी और ए सी और निकालना है, यदि ए सी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब होगा 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, यहाँ आ जाएगा रूट 17। फिर हम बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो बी डी में लेंगे, यहाँ पर 1 है या 3 है तो 3 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 0 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा, और इस तरह से करेंगे तो ये 4 प्लस 1 रूट 5 आएगा। अब यहाँ देख रहे हो कि क्या क्या बराबर है और क्या क्या बराबर नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये इस आकृति में हमारे पास ए डी बी सी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, लेकिन ए डी ए सी बराबर नहीं है बी डी के। तो इस तरह की आकृति को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ये चारों गुण तीनों गुण देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है, ये दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये तो आयत हुआ
या फिर समांतर चतुर्भुज। अब आयत होता तो विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण इसके बराबर नहीं है तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उस पे बात करते हैं कि यदि एक बिंदु P और Q ए बी बिंदु बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित है और उसे तीन समान भागों में विभाजित करते हैं यानी त्रिभाजित करते हैं तो पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करो। अब क्वेश्चन नंबर दो की बात कर रहे हैं हम। अब हम यदि इसको रफ नहीं कर रहे अभी, क्वेश्चन नंबर दो की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया कि एक लाइन है, ये ए और बी है, इसको पी और क्यू तीन भागों में बांटते हैं। तो यहाँ P के निर्देशांक और Q के निर्देशांक हमें निकालने हैं। अब हम P के और Q के निर्देशांक तो बाद में निकालें, A के निर्देशांक लिखेंगे। तो A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2-2, B के दिए गए हैं -7 और 4। अब यहाँ देखेंगे कि रेशियो जो होगी हमारे पास ए पी अपॉन पी बी वो क्या होगी। यदि एक पार्ट इधर है दो पार्ट इधर है तो 1/2 लिख देंगे, 1:2, या हम इसको लिखेंगे 1:2। और यदि ये ए क्यू अपॉन क्यू भी निकालेंगे तो ये दो पार्ट इधर हो गए, एक इधर हो गया, तो 2/1, या फिर हम लिखेंगे 2:1। ये हमारे पास अनुपात हो गए जिसको हम m1/m2 भी लिख सकते हैं, या ये इस तरह से भाग लिख लें। अब यहाँ हम जो विभाजन का सूत्र है उसको प्रयोग करेंगे और P और Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये हमें अनुपात पता चल गए, ठीक है। यहाँ हम P के निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो P के लिए P के लिए काम करना चाहते हैं तो P के निर्देशांक हम क्या कर लेंगे, हम मान लेते हैं X हो सकता है। P के निर्देशांक हमने कहा X1 Y1, क्योंकि निर्देशांक X2 और Y2 हम कह दें। तो यहाँ P के निर्देशांक X1 Y1 है तो यहाँ X क्या होगा, ये X1 होगा, और यहाँ हम इनके जो X1 Y1 X2 Y2 इनको हम देखेंगे तो यहाँ इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। यदि हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास रेशो क्या है, यहाँ रेशो M1 क्या है, देखो M1 है तो M1 यहाँ 1 है। X2 क्या है, X2 हम इसको लेंगे जो -7 है, प्लस करेंगे, फिर M2 हमारे पास 2 होगा और इसको गुना करेंगे किससे, X1 से जो 2 है, और भाग किससे करेंगे 1+2 से। तो यहाँ X1 का मान क्या आएगा, -7+4/3, मतलब -3/3 = -1। तो X1 का मान आ गया -1। अब Y1 का निकालेंगे तो Y1 का मान क्या होगा, Y1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर ये अनुपात तो हमारे पास 1:2 ही है, लेकिन अब Y का मान लेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 × Y2 जो 4 है, प्लस फिर हम लेंगे 2 × Y1, ये -2 है, और यहाँ 1+2 करेंगे, मतलब ये 4 हो गया और ये -4 हो गया, और ये नीचे 3 आ गया तो ये 0/3 = 0 हो गया। तो P के निर्देशांक जो हमने निकाले वो हमारे पास -1 और 0 आ गया। ऐसे यदि हम Q के लिए करते हैं, Q के लिए करेंगे तो यहाँ फिर X2 हम लेंगे, क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट में हमने क्या लिया, X2 लिया है। तो X2 में क्या करेंगे, देखो फिर या तो हम ये कहते हैं P और B का मध्य बिंदु Q है, ये भी कर सकते हैं, और यदि अनुपात में करना है तो भी कर सकते हैं। तो यदि हमें मान लें कि Q AB का मध्य बिंदु है, Q AB का मध्य बिंदु है, तो हम यहां मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग करते हैं और वो निकाल लेते हैं हम। तो X2 क्या होगा, X2 हो जाएगा ये P का निर्देशांक और B के निर्देशांक। अब P के निर्देशांक हमने क्या निकाला है, ये होता है X1+X2, तो ये -1 और ये -7/2, मतलब -8/2, तो X2 का मान क्या आ गया, -4। ऐसे यदि Y2 का मान निकालें तो क्या होगा, Y2 हमारे पास हो जाएगा Y1+Y2, तो P के निर्देशांक हमने क्या निकाला, 0 और ये 4/2,
मतलब 4 अपॉन 2 और y2 का मान क्या आ गया 2। तो q के निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ q के हो गए माइनस 4 और 2 और p के हमारे पास क्या हो गए माइनस 1 और 0। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यदि हम ऐसे ही पार्ट्स को करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि आपके पास P4P और 10 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु हैं, अंत बिंदु, और व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। मतलब यदि हम थोड़ा आइडिया लें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो एक ये वृत्त है, वृत्त में एक हम कह दें कि ये A और ये B है और यहाँ कहीं इसका केंद्र होगा वो हम कह दें। A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4 और P, B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1 और 0 और AB जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए आप यहाँ P का मान निकालें पहले और उसके बाद फिर हम यहाँ O के निर्देशांक निकालेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से। अब AB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे B का मान हमें दे रखा है। x2 क्या है, x2 1 है और x1 4 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। y2 0 है और y1 p है और यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो वर्ग हो गया, यहाँ तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 का वर्ग करेंगे, माइनस 1 माइनस 4 है तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ माइनस p का वर्ग करेंगे तो ये p स्क्वायर आएगा। अब ये हम 9 को उधर ले जाएं तो क्या होगा, p स्क्वायर का मान आएगा 90 माइनस 9 बराबर 91। अब ये 4p और 10 यदि हमारे पास निर्देशांक हैं तो ये 1 माइनस 4 स्क्वायर आएगा और ये 0 माइनस p का स्क्वायर आएगा तो 9 और ये p स्क्वायर आ गया। p स्क्वायर का मान हम निकालेंगे तो ये 91 आ गया और p का मान जब हम निकालेंगे तो रूट 91 आ गया, वर्गमूल 91 आ गया। अब उसने कहा कि O के निर्देशांक निकालो तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र जो होगा उसका प्रयोग करेंगे अब हम। तो उसका सूत्र में क्या है, यदि हम O के निर्देशांक निकाल रहे हैं x और y कर रहे हैं तो ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये फॉर्मूला होगा। अब x1 क्या है, अब x1 तो यहाँ 4 है और x2 1 है तो अपॉन 2 कर देंगे, लेकिन दूसरा y1 y2 है p और p का मान हमने निकाला है रूट 91 और y2 0 बटे 2 तो ये आ जाएगा 5/2 और ये रूट 91 यदि हम कर रहे हैं तो रूट 91/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके वर्गमूल के बराबर होगा।